स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। आइए आज हम जो माह रमज़ान का महीना चला है यहाँ पर शकील सुता और उनके ग्रुप की जानिब से एसएस ग्रुप की जानिब से यहाँ पर पूरे रमज़ान भर के जो महीने में पूरी रात जागकर जो है सरीदार के जो ज़रूरतमंद सरीदार जो स्टूडेंट हैं सभी लोगों के लिए जो मुसाफिर आते हैं यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर तकरीबन 900 डब्बों का इंतज़ाम किया जाता है और यहाँ पर 300 से 350 लोग यहाँ पर आकर अपने सहरी करके जो है रोज़ा रखते हैं। तो आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग सहरी करने के लिए आए हैं और शकील सुतार उनकी जो एसएस ग्रुप जो टीम है वो काफ़ी मेहनत करती है, पूरी रात मेहनत करती है और कोई उनको पगार नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। अपने दिल से जो है ऊपर वाले को राज़ी करने के लिए जो पूरे माह रमज़ान का एक महीना पूरा जागते हैं और अल्लाह को राज़ी करते हैं। तो आप यहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर सहरी करने के लिए अभी आ रहे हैं, सहरी कर रहे हैं लोग और उन्हें काफ़ी सारी दुआएँ दे रहे हैं। जो एसएस ग्रुप के अध्यक्ष हैं हमारे शकील सुतार सर, आइए हम इस मौके पर उनसे भी बात करते हैं जो जो तकरीबन 900 डब्बे यहाँ पर से लेकर जाकर जो कॉलेज तक पहुँचाते हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या उन्हें इससे प्रॉफिट है या पेमेंट दी जाती है। तो ये इस मौके पर हमारे एसएस ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं शकील सुतार साहब से बात करते हैं। वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। ये सहरी का इंतज़ाम है यहाँ पर, ख़ास करके लेडीज़ और जेंट्स जो हॉस्टल में हैं, जो खेड़े के लड़के हैं, जो बाजू किराए में रहते हैं, उनके लिए है ख़ास करके। जो ज़रूरतमंद हैं, ज़रूरतमंद बोले तो बीजापुर सिटी में वाले की ज़रूरतमंद नहीं, जो लोग गांव से आए हैं रात में पका नहीं सकते रूम पे, ये ख़ास तौर पे उनके लिए है। समझो कि हॉस्पिटल पे हैं, कोई मुसाफिर आ गया बस स्टैंड पे, उनके लिए लॉज में है, दवा खाने के लिए है, ये उनके लिए। ये कितने साल से कर रहे हैं? ये हमारा अभी 12 साल चल हो गया। तकरीबन कितने यहाँ से डब्बे वगैरह जाते हैं? यहाँ से अभी तकरीबन 900 पार्सल जाते हैं और 300 से 350 लोग इधर खाने के लिए आते हैं। ये डब्बे जो आप देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये भी देखो, अल-अमीन जाता है, महिला यूनिवर्सिटी जा रहा है और RPM कॉलेज साइड BLD जा रहा है, BLD इंजीनियरिंग और रिलायंस मॉल के पास जा रहा है, हुड़को है, स्टेशन रोड है, जहाँ तक रूम की रूम है वहाँ तक हम पहुँचा रहे हैं। ये किस तरह से क्या वो लोग आपसे संपर्क करे रहते हैं? ये आपके न्यूज़ के माध्यम का काम है। फर्स्ट रोजे के सहरी से पहले हम न्यूज़ बनाते हैं, आपके जरिए जो नंबर देते हैं वो हमें कांटेक्ट करते हैं, वो कांटेक्ट इधर डायरी में लिखा जाता है, उनका एड्रेस लिया जाता है, हमारा लड़का जाके उधर देखे आता है। कितने लड़के हैं आपके जो वहाँ पर? टोटल इधर वॉलंटियर हमारे 60 लड़कों का काम है। ये एक की तो हमारी बस की बात नहीं, ये सारे मोहल्ले के लड़के हाथ लगाते करके काम चल रहा है और किसी को पगार पैसा कुछ भी नहीं है, खुद इंडिविजुअल दिल से काम करते हैं। कितने बजे निकलते हैं और देने के लिए? ये इधर 2 बजे हम टिफ़िन काटने का चालू करते हैं, 3:30 बजे तक 900 टिफ़िन रेडी होते हैं, 3:30 बजे निकल के और 4:15 बजे तक दे के इधर रिटर्न और इधर बरतने के लिए आते हैं। आप तकरीबन 12 साल से कर रहे हैं, क्या इससे फ़ायदा क्या है? क्या नहीं, अल्लाह को राज़ी करने का काम है और कुछ नहीं। बीजापुर शहर में काफ़ी सारे बहुत सारे लोग, उन्होंने नहीं सोचा आपने क्या है? अल्लाह चंद लोगों को लोग बोलते हैं ना, गिना जाता है, हमको गिना गया है इसमें। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हर साल हमारा काम एक जारी रहे। क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे माध्यम के जरिए? क्या नहीं, मैं ज़रूरतमंद लोगों को आने के लिए कहता हूँ और कुछ नहीं, बस यहाँ पर जो भी आते हैं ज़रूरतमंद लोग ही रहते हैं। पूरे ज़रूरतमंद 100% या जो आम लोग हैं वो भी आते हैं? नहीं, आम लोग तो कोई नहीं आते, ज़रूरतमंद जो ज़रूरतमंद ही आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ही आते हैं यहाँ पर। क्या लेकर जा रहे हैं यहाँ पर? ये टिफ़िन लेके जा रहे हैं। कितने टिफ़िन हैं ये? हमारे टोटल 75 टिफ़िन है। तो आप कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? ये BLD इंजीनियरिंग हॉस्टल लेडीज़ हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल और RKM कॉलेज बॉयज़ हॉस्टल लेडीज़ हॉस्टल और हॉस्पिटल वगैरह में दे रहे हैं। तो क्या क्या होता है टिफ़िन में? ये टिफ़िन में आज बिरयानी है और डेली अलग अलग वैरायटी रहता है, कभी वेज या नॉन वेज, 10 डेज़ का अलग अलग डिशेज रहता है। किसकी जानिब से किया जाता है? शकील सुतार साहब उनके। हाँ, तो कब से कर रहे हैं? ये 12 साल हुआ तकरीबन। हाँ, 12 साल से चालू है। 12 साल से चालू है। आप अभी यहाँ से अब निकल रहे हैं, तकरीबन कितना टाइम हुआ? 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा? हाँ, सब बांटने के, सबको बांटने के लिए। हाँ, तो आप करते हैं कि आपको क्या सैलरी मिलती है? नहीं 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 नहीं, ये खिदमत का काम है अल्लाह के वास्ते। आप करते हैं, कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है।
कौन से ग्रुप की जानकारी? एसएस ग्रुप। क्या कहना क्या चाहते हैं जो दुनिया अभी बहुत सारे बीजापुर में बहुत सारे लोग आए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो भी आके इस काम में खिदमत में अंजाम दे, बस यही कहना चाहते हैं सब लोग आके मिल गए। आपका नाम? हाजी मस्तान सातारेकर। मैं अताउल्ला चौक और फुलकेश नगर और झड़पी और हुड़को और वारती बिल्डिंग और कन्नान नगर दे के आया हूँ। कितने डब्बे लेकर जाते हैं? मैं 42 टिफिन लेके जाता हूँ। कितने बजे निकलते हैं? मैं 3 बजे निकलता हूँ, 4:10 तक इधर वापस आता हूँ। अकेले ही जाते हैं? नहीं, मेरे साथ और कुछ लोग हैं, 2 गाड़ियाँ हैं मेरे साथ, 2 बाइक हैं, वो जाते हैं। एसएस ग्रुप की जानिब से सहरी का इंतज़ाम किया जाता है। ये ज़रूरतमंदों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लड़कियों के लिए, जहाँ जहाँ गाँव से आके स्टूडेंट्स आके रहें लड़कियाँ, उनके लिए किया जाता है इंतज़ाम। आप ये कर रहे हैं क्या, इसमें क्या आपका फ़ायदा? हाँ, फ़ायदा कुछ नहीं, सब अल्लाह के लिए करने, अल्लाह खुश करने के लिए कर रहे हैं। मोहम्मद मुख्तार सुतार। ये हमारा नौबाग में जाता है, फिर विकास गेस्ट हाउस बोल के बड़ी कमान के पास में जाता है, और आयशा सिद्दीका मदरसा में भी हम देते हैं। कितने लोग कितने टिफिन लेकर? टोटल मैं 50-60 लेकर जाता हूँ। कितने बजे लेकर जाते हैं? हम तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में लेकर जाते हैं, और 4:15 के बीच में आते हैं। किन लोगों को दिए जाते हैं? ये स्टूडेंट्स जो कॉलेज वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, और जिनके पास बाइक नहीं है, जो लड़के नहीं आ सकते उनको देते हैं, और यूनानी वगैरह के जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स वगैरह हॉस्पिटल में रहते हैं उनको देते हैं। किसके जाने है? ये शकील सुतार का ग्रुप है, एसएस ग्रुप बोल के, उनके तरफ से किया जाता है, हर साल किया जाता है। आप भी इनसे जुड़े हैं? हाँ, मैं भी इनसे जुड़ा हूँ, मैं उनका भांजा हूँ मैं। ये अब कर रहे हैं, आपको क्या इसका फायदा क्या है? ये अल्लाह के लिए और अल्लाह की रजा के लिए करते हैं हम लोग, कोई दिखावा नहीं है, और ये सब काम है इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा ये काम। आप पूरी रात जाग कर करना पड़ता है रमजान, फिर अल्लाह के लिए मेहनत करना पड़ता है, और रमज़ान के अंदर नेकियों का यही महीना रहता है जो अल्लाह इस महीने में बेइंतहा देता है, तो इसी हमको मौका मिलता है ये महीने में लेने के लिए, तो अल्लाह की इसी फजल से लेते हैं और मेहनत करते हैं। सभी लोग हैं, बच्चे हैं, दोस्त लोग हैं हमारे, सभी लोग करते हैं, और कुछ बड़े लोग भी हैं वो भी साथ देते हैं, और तकरीबन 11-12 साल से काम चल रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। क्या हमारे माध्यम के जरिए आप क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोगों को मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो लोग जो सहरी नहीं कर सकते, हमारा मकसद ये है कि उन लोगों तक खाना पहुंचे, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं जो रात का खाना लेकर खाते हैं, तो हमारा ये है कि अच्छा ताज़ा खाना लोगों तक पहुंचे, और अच्छा रोज़ा रहें, उनको भी अच्छी सहूलत मिले और हमको भी उसका अजर मिले, ये हमारा एक मैसेज है। मेरा नाम अबरार पठान। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972959599 और 8050828793।
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ